नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे, जहां हम आपको दिखाएंगे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो हर राज्यों की खबरों को देखने के लिए चैनल को अभी लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। आज से नवरात्रि शुरू हो गया है, जहां चैत्र रामनवमी की शुरुआत होते ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया। इसी क्रम में पूंछ के कालका मंदिर में सुबह से ही भक्तजन माता रानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। माता रानी के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। आज से माता का 9 दिन तक पूजा अर्चना होगा। संवाददाता अमरजीत सिंह। सर, जो आज नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जय माता दी। आज हिंदू नववर्ष का भी प्रारंभ हुआ है। विक्रमी संवत के अनुसार आज से नया वर्ष, जो हिंदू नववर्ष है, वो कैलेंडर प्रारंभ हुआ है और नवरात्रों का भी प्रारंभ हुआ। चैत्र नवरात्रि आज प्रतिपदा है। आज से 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा चलेगी। लोग अपने अपने घरों में माँ का पूजन करते हैं और 9वें दिन कन्याओं का पूजन करके इन व्रतों का पारायण होता है। तो आज से 9 दिन तक समस्त मंदिरों में, समस्त सनातनियों के घरों में माँ दुर्गा का अनुष्ठान चलता है, पाठ चलता है, पूजा चलती है और सारा वातावरण जो है वो मंगलमय हो जाता है। तो आज इस शुभ अवसर पर समस्त सनातनियों को, समस्त भारतवासियों को मैं इस दिन की हार्दिक बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि माता रानी सबके घरों में सुख और शांति और समृद्धि प्रदान करें। जय माता दी। सर, जो आज नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जय माता दी। आज माँ कालका के इस दरबार से, जहाँ पर हम सब यहाँ पर इस वक्त खड़े हैं, पहले नवरात्रि के जो कार्यक्रम है हमारे इस महा के इस कालका दरबार के मंदिर में आयोजित हो रहे हैं, पहले मैं अपनी समिति की ओर से तमाम पूंछनवासियों को, तमाम भारतवर्ष के लोगों को और हर उस व्यक्ति को जो सनातन में आस्था रखता है, नवरात्रों की शुभकामनाएं देता हूं और आज ही से हिंदू नववर्ष जो है हमारा आरंभ होता है, उसकी भी शुभकामनाएं देता हूं और नवरात्रों के इस शुभ अवसर पर प्रार्थना करता हूँ वहाँ के इस दरबार में कि पूरे विश्व में शांति का माहौल जो है बना रहे, भारत जो है वो आगे की तरक्की करे, आगे की ओर बढ़े। जहाँ पुंछ में नवरात्रों के पर्व का तल्लुक है, पुंछ में ये बड़े पैमाने पर नवरात्रों के पर्व किए जाते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि सुबह 5 बजे से लेकर प्रभात फेरियों का तांता पूरे पुंछ के विभिन्न गलियों से होते हुए इन मंदिरों में आके फिर खत्म होता है। एक प्रभात फेरी हमारी जो है वो पावर हाउस से निकलती है, एक प्रभात फेरी जो है वो गीता भवन से निकलती है, एक प्रभात फेरी जो है वो महिला शीश महल प्राणी पुंज से निकलती है। तो इस पर 3 प्रभात फेरियां जो है वो निकल रही हैं। अभी चंद मिनट पहले इसी भवन में जहां आप खड़े हैं, यहां पर हमारा जो है कथा का तारीख तक जो है वो शाम 5 से 7 बजे के बीच हमारे यहाँ इस भव्य मंदिर में महाआरती के कार्यक्रम होते हैं, जो पिछले कई वर्षों से यहाँ पर चले आ रहे हैं। और उन महाआरती के कार्यक्रमों में मेरी प्रार्थना होगी आपके इस मीडिया की ओर से, आपके इस चैनल की ओर से, कि यहाँ पर शाम 5 से 7 बजे जरूर आए, माँ की आरती महाआरती में भाग लें, माँ का गुणगान करें और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। एक बार पुनः हम सब की ओर से आपको नवरात्रों की। एडमिनिस्ट्रेशन का किस तरह से तावन है डीसी साहब और एसपी साहब की तरफ से? एक मीटिंग डीसी साहब ने ली थी, एक चिट्ठी हमने सनातन धर्म सभा की ओर से भी ली भेजी है कि हमें हर प्रकार का जो है वो तावन दिया जाए। बिजली तो अभी चल रही है और आशा करते हैं कि वो इसी प्रकार बगैर कटौती के बिजली जो है नवरात्रे के और रामनवमी के पर्व हमारे गुजर जाएंगे। उसके बाद जो है पानी के लिए भी हमने लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन को हमने लिखा था, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एसएसपी साहब को, कि हमें यहाँ पर 2 जवान परमानेंट जो है वो दिए जाएं, जिससे कि जो लोगों, एक खासकर लेडीज जो हैं वो अगर दी जाए, जो यहाँ पर रश होता है सुबह लेडीज का, उनको कंट्रोल में रखें। आज
वो शाम तक वो इसको इस पर हमारी इस रिक्वेस्ट पर गौर करेंगे ताकि यहाँ पर परमानेंट पुलिस की डिप्लॉयमेंट हो सके। रश होता है, कोई भी हादसा हो सकता है, उसे बचने के लिए हमें हर तरह का जो है सुरक्षा जो है।